혹시 아니 범이야 नवी मुंबई सोलपुर डांस एकेडमी द्वारा रूल 12 का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दर्शकों को प्रसन्न करने वाला अनुभव था। नवी मुंबई करों ने रविवार को वाशी के शिड़को प्रदर्शनी केंद्र के एडिटोरियम में दिल से आनंद लिया। इस वक्त 30 प्रकार के नृत्य सादर किए गए। 500 से ज्यादा प्रतियोगिताओं ने अलग अलग नृत्य शैलियों का मिश्रण हुए अपना जलवा दिखाया। छात्रों ने बॉलीवुड कोरियोग्राफर फिरोज खान और दर्शकों को सामने प्रदर्शन किया। रो का 12वां सीजन बैले बॉलीवुड हिप हॉप जैज फंक रंपिंग कैटेगरी अर्बन पुआड़ा रूसी चीनी हवाईयन और एरियल एक्ट जैसे एक के एक बढ़कर नृत्य सादर किए। अपनी प्रतिभा को दिखाकर मौजूद सेलिब्रेटर और गुरुओं के आशीर्वाद प्राप्त किया। सोल टू सोल डांस एकेडमी के संचालक चिन्मय पादे इन्होंने कहा। It's time for Rukia. Thank you. For providing us such nice foods to us. Thank you so much, Anup sir. Can we have you on stage, please? Oh yeah, look here. And PDS Thakur. The rising star. And the award goes to Kushan. Okay. Jitne bhi sponsors ke Okay. So my name is Shireen and I'm coming from London where I work in an Iranian TV channel and we came here to see all the performances and we've been fascinated. I loved it so much. All these kids working out so hard, working for what they want to become in the future, amazing dancers, and it was a pleasure for me to see this all and great effort. Thank you so much. It was amazing. Thank you. छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ाती है स्लम। हमारा कुरला का जो एरिया है वो स्लम से आता था, लेकिन वो बच्चों को इतना बड़ा स्टेज मिलने को मिला। फिरोज सर जैसे बड़े आर्टिस्ट हमारे साथ थे। मैं ऑल द बेस्ट विशेष देता हूँ चिन्मय को और सोल टू सोल अकेडमी को। थैंक यू। सभी को नमस्कार और मेरा सलाम। और एक्चुअली वो मुझे देख एक्साइटेड नहीं हुए थे, मैं उन सबको देख एक्साइटेड हो गया बिकॉज मेरा पहला मौका है यहाँ वाशी में और जो मैं यहाँ पे आया हूँ सच ए ब्यूटीफुल इवेंट कॉल रूट 12 सोल टू सोल डांस एंड द वर्ल्ड ऑफ डांस विच इज़ चिन्मय हैज़ क्रिएटेड दिस विद हिज पीपल। बहुत ही ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेज लेके आए हैं। सारे एक्ट्स इतने अच्छे थे, कितने में मैं रो पड़ा, ऑडियंस रो पड़ी और मेरे साथ जो हमारे गेस्ट आए थे लंदन से वो रो पड़े। आर्मी एक्ट हो गया, एरियल एक्ट हो गया, आई थिंक एक के बाद इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस होने लगे कि इट वाज लाइक एन इंटरनेशनल परफॉर्मेंस फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट। जस्ट इमेजिन कि इतनी ट्रेनिंग मिलने के बाद में अगर ये बच्चे ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं तो इमेजिन कि अगर बहुत साल की ट्रेनिंग होगी तो कहाँ तक जाएंगे। तो आई जस्ट वॉन्ट टू विश ऑल द वेरी बेस्ट टू सोल डांस अकेडमी, ऑल द वेरी बेस्ट एंड अल्लाह करे वो बहुत तरक्की करें, ये सारे बच्चे तरक्की करें अपने एरिया
इंडिया का नाम रोशन करें, अपने मुंबई का, अपने भारत का नाम रोशन करें, एंड आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड टू बी हियर नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इफ आई एम अलाइव। थैंक यू वेरी मच। अगर टैलेंट की बात करें तो ये आपको लगता है कि नवी मुंबई किसे टैलेंट, मतलब मुंबई के नहीं बल्कि नवी मुंबई में टैलेंट में पीछे नहीं है? जब नवी मुंबई के नाम लग गया है मुंबई, तो एटलीस्ट मुंबई हो गया। सो एटलीस्ट वी ऑल मुंबईकर्स फील दैट एवरी वन ओवर हियर इज सो टैलेंटेड इन एवरी फील्ड, डांस, एक्टिंग, आर्ट्स एंड कॉस्ट्यूम्स एंड प्रोडक्शन, एवरीथिंग। सो आई जस्ट रियली वांट टू विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द पेरेंट्स फॉर सपोर्टिंग द किड्स सो वेल। डांस की अगर बात करें तो इसमें यहाँ पे सभी टाइप के डांस देखने पड़े, देखने को मिला है, हिप हॉप, सबसे बेहतरीन बात ये थी कि हम काफ़ी ऑडिशंस में जाते हैं, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, काफ़ी इवेंट्स में जाते हैं, बट ये हाल ही में ऐसा हुआ है कि मेरे साथ में कि मैं कुछ सालों से इवेंट्स में जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि हमने एक फॉर्म को नहीं अपनाया है, बॉलीवुड हो, क्लासिकल डांसिंग हो, हिप हॉप हो, और एनी फॉर्म, बिकॉज एनी फॉर्म, no form you know is different in terms of you know uska jo caliber hai har form ka is apne mein bahut hi acha caliber hai but main ye kahunga ki sabne har form ko apnaya hai yahan pe is event mein har form ko dekhne mila khas karke pulwama attack jo act tha bahut hi behtareen tha अच्छा मैसेज था लोगों के लिए एंड वो वापस हमें रीलिव करवाया इस मोमेंट को किस तरह से हमारे जो जवान शहीद हुए थे वो बहुत ही बेहतरीन था। दैट मींस हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं मुंबई कर, हमारे जो बच्चे हैं देश के, वो आज भी रूटेड है और इंशाल्लाह हमेशा रूटेड रहेंगे। दुआओं से तो काफ़ी यू नो असर होता है, तो मेरे साथ भी वही हो रहा है कि कुछ ना कुछ नया करने मिल रहा है, बहुत ही कुछ चीज़ें आ रही हैं मेरी, नई नई वीडियोस कर रहा हूँ, फिल्म के सॉन्ग्स कर रहा हूँ और प्रोमोज, एड्स, सभी कुछ चल रहा है एंड आज यहाँ पे हूँ तो बहुत एक्साइटेड हूँ। डेफिनेटली मैं सभी मुंबई कर से कहूँगा, सभी देशवासी से कहूँगा कि अपने अपने एरिया में जाके, कल हमारे मुंबई में वोटिंग है, तो प्लीज़ जाके वोट करें और अपना कैंडिडेट चुनें ताकि हमें सही कोई रास्ता दिखाए और ये देश सही दिशा में जाए, जो कि चल ही रहा है, बट और बेहतर हो जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज वोटिंग, और सब बाहर जाके एकत्रित होके, सब मिलके झुलके वोट दीजिए और सभी को प्यार बांटिए एंड खुश रहिए एंड सबको दुआ में याद रखिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।